Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to my channel and thank you so much for joining me, guys. So let's get started right away with Sumbul's personality reading. Personality study चलिए सुम्बुल का करते हैं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए. जानेंगे सुम्बुल कैसी है, क्या है. One thing is there that I don't watch TV serials, जैसे कि हम सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, राइट. तो सुम्बुल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है और लेट्स सी हाउ आई गो अबाउट इट. कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी जो कि आप, आई थिंक, आई एम श्योर आप कनेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो उसकी रीडिंग मैं इस कार्ड से स्टार्ट करूंगी. दिस कार्ड विल कैप्चर द मेजर एनर्जी ऑफ द लेडी, ऑफ द गर्ल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गिव अ फायर वॉश. लेट्स टैप इन टू द डिवाइन गाइडेंस ऑफ आवर स्पिरिट गाइड्स प्रेजेंट हियर. Let's ask the spirit guides to help us understand the personality of Sumbul for her fans here. With all the clarity, tapping into the divine guidance. Thank you so much, dear angels. Thank you so much for helping us understand the personality of Sumbul, dear angels. We thank you so much for this guidance. Thank you, thank you, thank you so very much. We appreciate this. Slay them all, dragons. So this is the personality of the lady. Okay, slay them all. Wow. क्या पता चल रहा है आपको इस कार्ड से? इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि सुम्बुल is a warrior queen. Okay, she is carrying the sword in her hand. Wow. Slay the dragons. I think she has faced a lot of difficulties in her life. These dragons are somebody taking her power. और सुम्बुल यहाँ पे देखिए, ये जो लड़की है ना, इसके पैर amputated हैं, इसके पैर नहीं हैं. तो सुम्बुल ने अपने life में काफ़ी difficulties face की होगी, ऐसा लगता है. And still, in spite of all the difficulties, she is standing strong on her feet. ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि उसके एक उसका एक पैर नहीं है या फिर एक उसने amputated पैर पहना हुआ है ना. और हाथ में सोड है. शी इज गोइंग गन्स, मीन्स शी इज स्टैंडिंग स्ट्रांग इन हर फीट विथ हर विथ सोड इन हर हैंड, रेडी टू फाइट, टेक ऑन द चैलेंजेस. तो अपने वीकनेस पे फोकस करने के जगह वो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करती है, आगे बढ़ती है, फायरी है, पैशनेट है, उसको कुछ चाहिए. एंड शी इज नॉट द पर्सन हु विल टेक द शिट. सो दिस इज सुम्बुल एट द कोर ऑफ इट. ओके, एंड शी हैज फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज और इन डिफिकल्टीज ने उसको स्ट्रांग ही बनाया है, कमजोर नहीं बनाया है. ये देख के बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो कमजोर है, इसके बस एक पैर है. बट नो, हर देखिए, लाइफ में चैलेंजेस हमको स्ट्रांग बनाने के लिए ही आते हैं. और अगर ये चैलेंजेस नहीं रहते तो सुम्बुल आज इतनी स्ट्रांग भी नहीं रहती. तो ये चैलेंजेस के कारण ही सुम्बुल एक पैर पे ऐसे खड़ी है जैसे कि बिल्कुल शी इज, उसमें कोई कमी नहीं रह गई है. सो दिस इज सुम्बुल एट द कोर ऑफ व्हाट शी इज. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हर पर्सनैलिटी. आई थिंक आई विल टेक दिस डेक. आई जस्ट फील drawn to take this one. So Seven of Swords. Yes, she has faced a lot of, you know, sneaky stuffs around her life. Devil also. So, एक चीज़ तो हमें क्लियर पड़ता चल रहा है कि सुम्बुल ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मीन लोगों को देखा है. Seven of Swords, बहुत धोखा देखा होगा शायद. Difficulties देखी है, challenges देखे हैं. ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आ रही है विद दिस एम्प्यूटेटेड लेग ऑफ हर्स. द रेंजर्स, कैन वी प्लीज नो द पर्सनैलिटी ऑफ सुम्बुल. वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच. नाइन ऑफ कप्स. यस, लाइफ में हमेशा, लाइफ वॉज नॉट वेरी हैप्पी डैपी. लाइफ वॉज फिल्ड विद चैलेंजेस.
इतना चैलेंजेस था लाइफ में कि प्रे करते थे कि लाइफ वॉज नॉट हैप्पी डैपी, हमेशा जो चीज़ चाहा वो काफ़ी कमी रही हर चीज़ की। और एक हमेशा एक अंदर में एक इस तरह का एक बोलते हैं ना कसक रहता है कि कब ये डिफ़िकल्टीज ख़त्म होंगी, कब मैं फ्री स्पिरिटेड हो जाऊंगी, कब इन सारी चिंताओं से ये ड्रैगन्स जो लाइफ के हैं, ये मीन पीपल जो है जो पावर लेते हैं, इन ये जो लाइफ की मिस्ट्री है जहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों से कब फ्रीडम मिलेगी। दिस इज़ वॉट हर लाइफ हैज़ बीन मोस्टली। टू ऑफ कप्स, वाओ, यस, टू ऑफ सोर्ड, कन्फ्यूजन ऑल द टाइम, पास्ट में लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अ फाइट। यहाँ पे भी हमने बोला ना, शी इज़ अ वॉरियर क्वीन, शी इज़ कैरिंग द सोर्ड इन हर हैंड, शी इज़ द वॉरियर क्वीन। लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रगल, एज इफ कि यू आर ऑलवेज फाइटिंग, मूविंग फ्रॉम वन फाइट टू दी अनादर, फ्रॉम वन बैटल ग्राउंड टू दी अनादर। मैंने कि बस आप बोल सकते हैं कि काफ़ी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी हुई थी, कभी इसको देखना है, कभी उसको देखना है, एक के बाद एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना अपने घोड़े पे भी बैठे हो, चैन नहीं है, घोड़े को दौड़ाते जा रहे हो, आई मीन चैरियट पे लाइफ जा रही है, लाइक वन आफ्टर दी अदर, यू आर ऑन चैरियट, ये काम किया, दूसरे फिर से चैरियट पे बैठे, फिर दूसरा काम किया, फिर चैरियट पे बैठे, फिर तीसरा काम किया, ऐसे करते करते लाइफ इतना थक जाती थी कि बस जाके बस सो ही भर सकते थे। एंड यहाँ पे देखो, शी इज़ एक्चुअली वेरी टायर्ड, टायर्ड ऑफ ऑल द रिग्मरोल ऑफ लाइफ। रिग्मरोल ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, लाइफ की जो थपेड़े हैं, डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, प्लस साथ में एक मीन लोग भी हैं जो कि आपको टेंशन दे रहे हैं, पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आइडियाज काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि ड्रैगन है और उसको वो अगर सोर्ड लेके उससे फाइट करने जा रही है, तो ये ड्रैगन्स ने डेफिनेटली उसकी लाइफ को हेल बना के रखा हुआ था। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस कार्ड के ऊपर ये कार्ड बता रहा है कि वो शी वॉज लाइक फेड अप विथ ऑल द कन्फ्यूजन्स ऑफ हर लाइफ, एंड लाइफ वॉज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट बैटल। यहाँ पे देखो वो कॉन्शियस लेवल पे बस चैरियट पे बैठी है, एंड शी इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन द एज। आप एज पे कब खड़े खड़े रहते हो, जब लाइफ आपको इतना कॉर्नर पे पुश कर देती है ना, जहाँ पे लाइफ बिकम्स अ डेली रूटीन ऑफ फायर फाइटिंग। आप समझ रहे हो, लाइफ ऐसी नहीं है कि आराम से उठे, चाय पी, अच्छे से तैयार हुए, कैब में बैठे, जाके ऑफिस में काम किया, टक 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 काम किया, फिर आ गए, इस तरह की लाइफ नहीं थी। लाइफ वॉज अ कॉन्स्टेंट बैटल। यहाँ पे एज पे खड़े हो, यहाँ पे आके कौन सा दूसरा चैलेंज आपके लाइफ में आएगा आपको पता नहीं है। आप अपने यू हैव टू बी बहुत ही बोलते हैं ना कि आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता था, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, और अपने घोड़े को बिल्कुल उसको आपको कमांड अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। शी डिडंट हैव द लग्जरी ऑफ लेटिंग द घोड़ा गो द वे, क्योंकि हर चीज़ शायद उसको ही करना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है। लाइक शी इज़ ऑन द एज, टेकिंग कंट्रोल ऑफ हर सेंसेस, हर जीवन की गाड़ी चला रही है ऐसे करके, ऐसा लग रहा है, और कंट्रोल में रखी हुई है ये चीज़ें। इवन तो अगर देखो कॉन्शियस लेवल में वो बहुत भागा दौड़ी कर रही है, जीवन रूपी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रही है, उसमें बिजी है, उसके थपेड़े, उसके ऊपर ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतार चढ़ाव, इन सारी चीज़ों में बिजी है, एंड येट शी इन हर हार्ट फील्स कि कब वो दिन आएगा जब मैं सारे सपने पूरे होंगे भी कि नहीं। एंड शी इज़ लाइक आई हैव सो मेनी ड्रीम्स इन माई लाइफ, एंड शी इज़ अ ड्रीमर, ओके, शी हैज़ लोड्स ऑफ ड्रीम्स फॉर हर सेल्फ। उसके बहुत सारे सपने हैं, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस लाइफ के थपेड़े में, लाइफ जिस तरह से चल रही है, इतने सारे ड्रैगन्स भी हैं, चैलेंजेस भी है, रोड ब्लॉक्स भी है, लाइफ माने कि जो होता है ना यूजुअल नॉर्मल सी बोरिंग सी लाइफ जो नॉर्मल लोगों की होती है, क्या ये कभी ख़त्म भी होने वाला है क्या? क्या ये जो मैं कॉन्स्टेंट फायर फाइटिंग करते रहती हूँ, लाइफ वही बोरिंग गति से चलती जा रही है, और मैंने कि क्या कभी इन सारी चीज़ों का एंड भी होगा? उसको कभी रास्ते में उसको दिखता नहीं था कि इन सारी चीज़ों का एंड भी होगा, कॉन्स्टेंट फायर फाइटिंग का। उसके सपने क्या कभी सच भी हो सकते हैं? क्या उसको वो फ्रीडम का कभी एहसास होगा जहाँ पे शी विल बी फ्री ऑफ ऑल द भागदौड़ी ऑफ लाइफ, दैट बोरिंग लाइफ, द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द सेम मीन पीपल सराउंडिंग हर? क्या उसको इन सारी चीज़ों से कभी फ्रीडम मिलेगा? वो यही उसका मेन क्रक्स था उसके लाइफ का। तो अगर आप देखो तो उसके लाइफ में बीच में क्या आ रहा है, उसके अपने सपने हैं बहुत ज़्यादा,
शी इज़ अ ड्रीमर, उसके अपने सपने हैं जिसको वो पूरा करना चाहती है, लेकिन उन वो सपने सच होंगे कि नहीं होंगे उसको पता नहीं है। जैसे कि सब नॉर्मल लोगों के साथ होता है, हम सबके साथ होता है, हमारे सपने तो होते हैं लेकिन लाइफ कंडीशंस ऐसी होती है कि हमें अपने सपनों पर विश्वास नहीं होता है, राइट right? और यहाँ पे वो यही सोच रही है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा वेदर वेन आई विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ द लाइफ, ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ द मीन पीपल दैट सराउंड मी, ये जो लाइफ की डेली की भागा दौड़ी है, क्या मैं से कभी फ्री हो पाऊंगी, क्या विल आई बी एबल टू बी एवर फ्री? और इन सारे भागा दौड़ी में लाइफ के जदोजहद बोलते हैं ना उसके उसमें, वो उसका एक सपना भी है, उसका एक सपना है कि उसका एक लाइफ पार्टनर हो जो कि उसको समझे। तो देखो ये उसके सबकॉन्शियस में आ रहा है, विच गिव्स अस अ आइडिया कि वो रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगी। टू ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, यानी कि उसके दिल में यहाँ पे तो बहुत सारे सपने हैं और ये सारे सपने बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। उसका अपना ड्रीम्स हो सकता है, उसके अपने कुछ माता पिता के लिए सपने होंगे, उसके अपने लिए कुछ सपने होंगे, इसमें उसका कुछ लव एंगल भी होगा, लेकिन एक चीज़ जो उसको सच में चाहिए है वो है टू ऑफ कप्स, उसको किसी का साथ चाहिए है, उसको वो इंसान चाहिए जो कि उसको समझे, और ये उसके सबकॉन्शियस से आ रहा है। ओके तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है उसकी पर्सनालिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता ये चलता है कि वो ऐसी बंदी है जो कि रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगी। ओके बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम हर सबकॉन्शियस, शी विल रियली शी वॉन्ट्स अ पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ऐसा इंसान चाहिए जो कि उसको सच में समझे, प्यार करे। ओके और ये उसके सबकॉन्शियस की डीपेस्ट डिज़ायर है, और जब सबकॉन्शियस में डीपेस्ट डिज़ायर होता है तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो लाइफ के हर चीज़ को अकेले कर रही है, शी इज़ पुश टू द कॉर्नर, एज पे खड़ी है, हर चीज़ उसको करना पड़ता है। यहाँ पे भी वो खुद जिस तरह से वो इस घोड़े यू नो ये जो चैरियट है इस पे खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत केयरफुल है, वो बहुत सावधान रहना पड़ रहा है क्योंकि उसको आगे में क्या आएगा उसको कुछ पता नहीं है। तो एक बहुत ही बोल रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे भी देखो कैसी एनर्जी है कि वो बिल्कुल थक गई है ये सारी चीज़ों को करते करते करते, उसको किसी का साथ चाहिए है जिसके साथ वो थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने जीवन की गाड़ी चला पाए, समझ रहे हो? क्योंकि इतना भागा दौड़ी है उसके लाइफ में, हर चीज़ वो खुद कर रही है, वो थक गई है, लिटरली वो यहाँ पे थक गई है, और इसीलिए उसको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जिसके साथ हाथ मिला के उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो कब तक इन सारी चीज़ों को फाइट करते रहेगी। एक्चुअली उसका यू नो शी लॉस्ट वन ऑफ हर लेग फाइटिंग दिस पीपल, तो इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, और वो एक पैर में यू नो लाइक उसको देख के लगता नहीं है कि शी इज़ फाइटिंग विथ वन पैर, क्योंकि वो अपने दोनों पैरों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के फाइट कर रही है ना, जबकि उसको एक पैर पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बट स्टिल वो डाल रही है। और इसीलिए आप समझ रहे हो कि क्यों उसको एक ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, ताकि वो उसको बोले कि यार मैं तुम्हारा काम कर लूँगा, यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, आई एम देयर फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी। तो अब आप समझ सकते हो कि ये टू ऑफ कप्स की जो इसकी इच्छा है क्यों है, क्योंकि वो फाइट करते करते थक गई है, उसमें इतना हिम्मत नहीं है, उसने अपने लाइफ में बहुत फाइटिंग की है, इतना फाइटिंग की है कि उसको देखो वो दो पैर से एक चीज़ पे फाइट कर रही है, जबकि लोग दो पैर से भी फाइट करते करते थक जाते हैं, लेकिन उसने तो एक पैर से ही इन दोनों को इन सारे ड्रैगन्स के छक्के छुड़ा के रखे हैं, हिम्मत तो नहीं हार रही है, शी हैज दिस सोर्ड एंड शी इज गोइंग गन्स ब्लेजिंग। तो बेसिकली वो थक गई है इन सारी चीज़ों के लिए, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब एंड होंगी, सपने पूरे होंगे, मुझे फ्रीडम मिलेगा, टायर्ड ऑल राइट आगे बढ़ते हैं। यस उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रात की कोई सुबह है भी कि नहीं, क्योंकि रात क्या है ना, गहराती जा रही है और गहराती ही जा रही है, और वो इसमें डूबते जा रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो रहा है। तो आप देखो कि कन्फ्यूजन यहाँ पे भी है, वो कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रही है, और यहाँ पे उसने आँख में पट्टी भी बांधी हुई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि शायद वो कुछ चीज़ों को ना जानबूझ के इग्नोर कर रही है, वो देखना नहीं चाहती है, और यस वो डूबती जा रही है, और उसको लग रहा है कि उसको कोई बचाए। ये देख रहे हो वो एटीट्यूड में उसका क्या है, उसको लग रहा है कि वो इन बोझ तले दबती जा रही है और वो डूबती जा रही है, कि और उसकी उसके अंतर्मन की इच्छा क्या है कि कोई आके उसका हाथ थाम ले, उसको संभाल ले, और इसको वो खींच के इस नदी में जो ये डूब रही है ना, ड्राउन कर रही है, इसको खींच के ये इंसान उसको ऊपर लेके आ जाए, ताकि वो यहाँ पे आके सांस ले पाए।
क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके फाइट कर करके थक गई है, और वो शायद वो अपनी चीज़ों को बताती नहीं है. शी इज़ अ वाउंडेड वॉरियर, यू अंडरस्टैंड, शी इज़ अ वाउंडेड वॉरियर. वो वॉर कर एंड शी इज़ अ एंड हर वॉरियर एनर्जी इज कमिंग बिग टाइम स्ट्रांग इन दिस कार्ड. दिस इज अ वाउंडेड वॉरियर कार्ड, और दिस इज़ अ वाउंडेड वॉरियर. शी इज़ द वॉरियर हियर, शी इज़ द वाउंडेड वॉरियर. यानी कि फाइट कर करके वो थक गई है. हालांकि वो शायद इन चीज़ों को शेयर नहीं करती होगी. क्यों? क्योंकि शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपने अंदर ही इन सारी चीज़ों को रखी हुई है और वेट कर रही है कि क्या इन सारी चीज़ों पे कभी क्लैरिटी आएगी, क्या उसको फ्रीडम कभी मिलेगा इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. यस या शी इज वेटिंग फॉर सन टू शाइन इन हर लाइफ, बट सन इज नॉट शाइनिंग. है ना, सन आके शायद रह जाता है या बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे कि क्या है. यस, क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स. फर्स्ट वाली रीडिंग भी की थी तो वो क्वीन ऑफ वॉन्स ही आई थी ना. दिस क्वीन ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बोथ ऑफ देम हैव शोन अप, व्हिच इज ब्यूटिफुल. ऑल राइट, सो आई थिंक शी हैज दिस बोथ एनर्जी, बोथ ऑफ दिस एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे वुंडेड वॉरियर की चीज की सारी स्टोरीज मैंने बता दी. शी इज वेटिंग फॉर, शी इज प्रेइंग फॉर, वेटिंग फॉर थिंग्स टू चेंज इन अ लाइफ. कि लाइफ, आई होप, आई मीन शी इज टेलिंग दैट आई होप देर कम्स अ टाइम व्हेन लाइफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फाइट, लाइफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट बैटल, वेयर एवरी डे आई डोंट हैव टू गेट अप एंड सिट ऑन माई चैरियट एंड गो फाइटिंग फॉर थिंग्स, डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वन आफ्टर दी अनादर. बिकॉज समटाइम्स माई लेग्स गेट वोर्न आउट बिकॉज माई बोथ द लेग्स आर नॉट दैट स्ट्रांग. ओके, आई नीड समबडी हु कैन हेल्प मी, हु कैन यू नो जस्ट स्टॉप मी फ्रॉम ड्राउनिंग इन दिस सी and just pull me up and I can feel safe with him. समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं. तो एक तरफ तो एक लड़की ऐसी है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा strong बनने की कोशिश कर रही है. वो उतनी strong नहीं है, उसको समझो. यहाँ पे she has a amputated leg, पर क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी ऐसी होती है, कभी कभी हमारे पे responsibility ऐसी हो जाती है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा हमको strong बनना पड़ जाता है, you know, more than what we are maybe. So this is what it is, queen of wands. But yeah, all right, uske environment mein kya hai, eight of pentacles hai. Ichha to yahi hai, dekho yahan pe she has her dreams and she is like, when will sun shine in my life, when will sun shine in my life. Usko na ek bahut freedom ki ichha hai. Yahan pe wo bahut trapped si hai रिगमरोल ऑफ लाइफ में, और यहाँ पे भी वो फ्री होना चाहती है. फ्री होने की इच्छा है उसकी, एंड पर ये फिजिकल लेवल पे है, सबकॉन्शियस लेवल में उसको बेसिकली सपोर्ट चाहिए किसी का. तो अगर बोलोगे कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है या फिर ज़्यादा शी इज़ अ, यहाँ पे दो एनर्जीज आई है ना उसकी. एक देखो क्वीन ऑफ कप्स है, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ. यहाँ पे फिजिकल लेवल पे क्या देख रहा है कि शी वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस दैट इज हैपनिंग. लाइफ जो रेगुलर फाइट हो गई है ना, इससे उसको फ्रीडम चाहिए है. शी वॉन्ट्स टू बी फ्री, फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक इंसान हो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेक केयर कर ले, मुझे किसी चीज की चिंता ना हो, है ना. ऑल राइट, जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, बस तुम करते जाओ. ओके, आई कैन जस्ट रिलैक्स एंड ऑल लाइक दैट. एंड शी इज लाइक, कब आएगा वो दिन, कब आएगा. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज था उसके लाइफ में. ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट में एट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा था कि शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप थिंग्स गोइंग एंड मूविंग. ओके, अब यहाँ पे देखिए, हमने ये बात की कि दो एनर्जी है उसका, सुम्बुल का दो एनर्जी है. एक तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, जहाँ पे शी इज़ ऑन द कॉन्स्टेंट मूव. जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ये करना है फिर चैरियट पे बैठना है, दूसरा काम करना है फिर चैरियट पे बैठना है, फिर तीसरा काम करना है, चैरियट चैरियट चैरियट, भागो भागो भागो. तो इससे क्या हुआ है, इसकी एनर्जी एकदम आउटब्लोन हो गई है, जैसे कि वो बिल्कुल थक गई है फाइट करते करते, काम करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेक केयर करते करते. एंड शी इज़ लाइक, यू नो, शी इज़ द मामा ऑफ द हाउस मे बी, और उसको समझने के लिए प्रॉबेबली कोई नहीं है. तो शी इज़ टायर्ड ऑफ दिस, शायद इसीलिए वो क्रेव करती है एक रिलेशनशिप जहाँ पे कोई उसका हाथ थामे और थाम के हाथ साथ में चले. और जब आप साथ हाथ पकड़ के चलते हो तो उसको भी लगेगा कि कोई मेरे साथ है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर मुझे ही नहीं करना है. देर इज़ समबडी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, देर इज़ समबडी टू टेक केयर ऑफ द बिल्स, देर इज़ समबडी टू टॉक टू द पर्सन हु कम्स इन, और हर चीज़ उसके सर पर नहीं है.
हियर दिस गर्ल इज बीइंग वे टू स्ट्रांग देन शी शुड एक्चुअली बी. आउटब्लोन एनर्जी हो गई है उसकी. मैंने जब आपको लाइफ में बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, उतना स्ट्रांग जितना आप नहीं हो, पर दिखाने के लिए, करने के लिए, क्योंकि और शायद कोई नहीं है तो उसको स्ट्रांग बनना पड़ा होगा, बट अंदर में शी इज़ मोर लाइक अ कोकोनट. ओके, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग. क्योंकि ये कोकोनट का बाहरी हिस्सा है, द ब्राउन पार्ट, हार्ड, जो कि लाइफ के थपेड़े ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उसको हार्ड बना दिया. और क्योंकि शायद उसको हार्ड बनना पड़ा, कोई नहीं होगा शायद, जो भी है, पर अंदर में शी इज़ लाइक दिस क्वीन ऑफ कप्स, जिसको कुछ नहीं चाहिए. यू नो, ऐसे करके हाथ खड़ा कर दिए, यहाँ पे उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपने, यहाँ पे उसको फ्रीडम चाहिए है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लेकिन अगर डीप इनसाइड में जाओ तो उसको क्या चाहिए, उसको एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, जो उसका हाथ पकड़े और उनको उस सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो करते आई है, करते आई है, करते आई है ना, उससे उसको फ्रीडम मिल जाए. और यही उसका दिल, उसकी दिल की इच्छा अगर पूछो ना, तो यही चीज़ है उसकी. शी इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स हु वैल्यूज, who wants love, who wants to be understood, and उसको एक किसी का साथ चाहिए है. ओके, तो शी इज मोर लाइक अ कोकोनट. बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और है वो. ठीक है, ऑल राइट. और या ऑफकोर्स यहाँ पे भी फ्रीडम है. शी इज लाइक, यू नो, शी वॉन्ट्स फ्री, फ्री, एक फ्रीडम की इच्छा है उसको. शी वॉन्ट्स टू बी फ्री. पता नहीं, बहुत ज्यादा बंधा बंधा सा लाइफ होगा उसका. All right, and what else do we get? Personality में देखिए, Hierophant यहाँ पे in reverse हमें बता रहा है कि she is quite a rebel at heart. Not really at heart. Heart पे तो वो, as a heart में तो वो she is very queen of cups. मगर she is quite a rebel. वो सामने में काफ़ी rebel, क्योंकि ये queen of wands की energy है ना, queen of wands की energy. क्योंकि उसके, क्योंकि देखो, life में जब बहुत ज़्यादा responsibilities आता है, थपेड़े पड़ते हैं ना, तो life में आदमी harden हो जाता है. और वही शायद ये भी हो गई है. सामने से बहुत कठोर दिखती है शायद, और ये रिबेल हो भी गई है. क्योंकि याद रखिए, जब लाइफ में आपको ही हर चीज़ करना पड़ता है ना, तो यू जस्ट टफन अप. तो यहाँ पे वो काफ़ी रिबेल भी हो गई है. ये चीज़ें हमको इसके रिलेशनशिप से पता चलता है. होप आई यू अंडर, सॉरी, इस गाइडेंस से पता चल रहा है. लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हमेशा काम काम करना पड़ता था. बट शी हैड बिग ड्रीम्स, शी वॉज ऑलवेज अ ड्रीमर, बट शी वॉज ऑलवेज, शी वॉज ऑल्सो डाउटिंग कि उसके ड्रीम्स सच होंगे नहीं होंगे. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसके इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ड्रीम्स सच हो जाएं. शी यूज टू प्रे, शी यूज टू प्रे कि हे, यू नो, शी वॉज अ ड्रीमर, शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ, यू नो, डाउट्स तो रहते थे, पर वो शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी प्रोग्रेसिव. वो अपने ड्रीम्स के बारे में सोचती रहती थी, इन सारी चीज़ों में बिजी होते हुए भी अपने ड्रीम्स के बारे में सोचती थी. उसको एनर्जी मिलता होगा उसके कारण, जिसके कारण उसकी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई. काफ़ी वॉरियर एनर्जी थी, हमेशा फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, इस फाइटिंग से टायर्ड हो गई थी. काफ़ी कन्फ्यूजन वाला लाइफ भी था उसका पास्ट में, यू नो, कि क्या होगा नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी, ये जो चैरियट है मेरी ज़िंदगी को किस तरफ लेके जाएगा, क्या ये चैरियट बस डेली के कामों में ही उलझ के रह जाएगा, या फिर मेरे सपने को पूरा करने के लिए भी ये चैरियट कभी उस रास्ते पे ही जाएगा. एंड शी यूज़ टू प्रे फॉर थिंग्स टू हैपन, शी वॉन्टेड टू बी फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स. और इन सारी चीज़ों को वो खुद अकेले करती थी. यहाँ पे देखो, वो खुद अकेले करती थी. दिस एम्प्यूटेटेड लेग इज टेलिंग दैट शी वॉज डूइंग, शी वॉज कैरिंग मोर लोड देन शी शुड हैव कैरीड. ओके, दिस इज what the card is telling us. She was always on a fighting thing. यहाँ भी fight कर रही है, यहाँ पे वो fight कर करके थक गई है. She is a wounded warrior. और इसी दोनों कारण के कारण उसको किसी का साथ चाहिए, जिसके साथ वो मिलके fight कर सके. ओके, और ये चेहरा ये दो लोगों को दिखाने के लिए है. बेसिकली शी इज somebody who is very close, that, you know, बहुत ही एक इमोशनल रिलेशनशिप को वैल्यू करने वाली, रिलेशनशिप को ही ज़्यादा भाव देने वाली वो लड़की है बेसिकली. बट हमको बस यहाँ तक की रीडिंग उसके पहले वाले गाइडेंस में पता चल रही थी. अंदर का कोकोनट का पार्ट हमें वो नहीं दिख रहा था, जो कि इस रीडिंग में आया है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी रीड है उसकी. तो यहाँ पे ये रीडिंग के कारण और ये दोनों कार्ड्स के कारण उसके जो वो पहले वाले गाइडेंस थे ना, उसका ये रिबेलियस चेहरा आ रहा था. सामने से रिबेल लगती है, बट अंदर में वो शी इज दिस. ऑल राइट, वॉरियर है, ये सब चीज़ें हमने बोल दिया, तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इट इज़. चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इस रीडिंग को हम बफ अप कर देते हैं, पर्सनैलिटी देख लेते हैं, आर्च टाइप कार्ड से हमें क्या गाइडेंस मिलता है.
God's got his angels, Archangel Michael, Spirit Gods, Spirit Guides. Thank you for the divine guidance and blessing coming for all of us to help us understand the personality of Sumbul. We thank you so much for this, dear angels. क्या है ये डैमसेल? शी इज द डैमसेल, शैडो साइड में आया है. लेट मी सी व्हाट इज दिस. वेटिंग फॉर द नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू सेडक्शन बाय रोमांटिक इल्यूजन्स. एंड हाउ राइट इज दैट, हाउ राइट इज दैट गाइज. ओके, वेटिंग फॉर योर नाइट, वेटिंग फॉर योर नाइट. यस, बिकॉज वाई शी इज टायर्ड ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाबा, कैरिंग ऑल द लोड ऑन हर वन लेग एज इफ शी हैज ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द लेग्स. शी डजंट हैज द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द लेग्स, बट शी इज जस्ट गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन. बट नाउ शी इज वेटिंग फॉर द नाइट, यू नो शी इज रियली वेटिंग फॉर द नाइट, ताकि वो थोड़ा सा सांस ले पाए, सांस ले पाए, थोड़ा सा जी पाए, यू नो. Waiting for the night. I hope you understand. See this. Can you see this? I don't know if you can see that, but that is what it is. Waiting for a night to provide for her. Okay, exactly the same thing. क्योंकि ये इसके subconscious से आ रही है ना. All right, we will pull one more card for her. तो देख रहे हो कि कैसे at the end of the day she is not this fiery woman at the heart, she is this like a coconut, jisko she wants somebody to take care of her basically. Okay, see, basically she wants somebody to take care of, she is not this fiery woman and all that, but samne se iski overblown energy lagti hai. She looks rebel and why not, because she has taken this much of responsibility. Life made her tough, life forced her to roughen up, put on a hard face. All right, child, she is a child woman. Wow, let's see. Inability to grow up and be responsible. अच्छा, ये तो shadow side में नहीं है. Determination to remain young in body, mind and spirit. Ability to see things with fresh eyes. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है. एबिलिटी टू ग्रो, इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी. दिस इज एग्जैक्टली, क्योंकि ये शैडो साइड में है तो ये लाइट साइड का कार है ना, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा. यानी कि आप उसको बोल सकते हैं कि शी हैड टू ग्रो अप वेरी अर्ली. ओके, शायद बचपन में ही उसको मैच्योर हो जाना पड़ा बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और समथिंग लाइक दैट. एंड रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने बात ही की है ना, ये पूरा रीडिंग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही है. तो येस, शी वॉज अ चाइल्ड हु डिडंट गेट द टाइम टू बी चाइल्ड एनफ. शी हैड टू मैच्योर अर्ली बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शी हैड टू टेक केयर ऑफ. एंड शी इज टायर्ड ऑफ टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बींग स्ट्रांग when she is not strong. She just wants a shoulder on which she can just put her head, and she wants, she can cry if she wants, because she is tired of being this strong. You know, she is not this strong, she doesn't want to be this strong, but life forces her to be strong. Okay, and she's like, she's giving, you know, she's raising her hand, mujhe strong nahi banna hai, mujhe, I just want to be easy breezy, I just want to be myself, I just want to have a company who can take care of me. तो वही चीज़ें हैं. Life forced her to be very strong. She had to grow up very jaldi, take all the responsibilities and all that. So these two cards are really talking about her personality. What else do we need to do now? I think I will pull one positive card from here, and I think we are done with her guidance. So dear angels, anything for Sumbul, we thank you so much for her, for the guidance coming for her personality. Thank you, thank you, thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you so very much. Thank you. And thank you. And thank you. Sumbul ke personality ke baare mein dekhte hain kya milta hai hame. Okay. Synchronicities and pay attention. Father healing आ रहा है उसके कार्ड में. Okay.
एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ऑल राइट, तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया था कि यहाँ पे हमने जैसे बात किया कि उसके आँख पे कुछ पट्टी चढ़ी है, शायद वो देख नहीं पाती है कुछ चीज़, या वो देख के भी इग्नोर करती है कुछ चीज़ें, और फादर हीलिंग आ रही है तो हो सकता है फादर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है। यहाँ पे उसके बहुत सारे सपने हैं, ओके, बहुत सारे सपने हैं उसके, और बाकी सब लोगों की तरह वो भी चाहती है कि उसके सपने पूरे हों, पर उसको समझ में नहीं आता है कि उसके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके ऊपर ना, और हर चीज़ वो अकेले करते रहती है, तो डाउट्स भी आते हैं, सपने भी हैं, और यूनिवर्स बोल रहा है कि स्टे पॉज, यानी कि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती थी, जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि वो चीज़ अपने लाइफ में इतना कुछ कर पाई है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑल बाय हरसेल्फ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो स्ट्रांग व्हेन शी कुड हैव जस्ट टोल्ड कि आई डोंट वांट टू बी दिस स्ट्रांग, आई एम नॉट दिस स्ट्रांग, बट शी केप्ट ऑन डूइंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइटिंग द वॉर एंड ऑल दैट, ठीक है, और वो बिल्कुल वाउंडेड वॉरियर बन गई। तो और वो काफ़ी अकेलापन भी महसूस करती थी क्योंकि उसकी इच्छा क्या है कि अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मैं इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ना थक गई हूँ। कहाँ गया वो कार्ड, यहाँ पे था ना ये वाला कार्ड, इसने कैसे हाथ खड़े कर दिए, बोले कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मैं अकेले हर काम कर करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले के मैं थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा पीस चाहिए, मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, क्या मुझे मिलेगा। एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, वो हमेशा सोचती थी कि शायद होगा, पॉजिटिव लड़की थी, पॉजिटिव थी, तभी तो उसने इतना हार्ड चेहरा बना के रखा था ताकि वो अपने इमोशंस को टैप इन नहीं कर पाए। यू नो, हम नारियल कब बन जाते हैं, वी बी लाइक अ कोकोनट, जब हमने आप अपने आप ऊपर एक हार्ड कवर बना दिया है ताकि हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, हमारा जो हार्ट जो चीज़ जानता है उसके चक्कर में ना हम आ जाएं, यू अंडरस्टैंड। सो वॉट हैपन्स वेन यू रियली आप अंदर के इमोशंस को बिल्कुल अंदर से बांध कर अनकॉन्शियस में फेंक देते हो, तब आप एक तरह के आगे में रिबेल जैसे बन जाते हो क्योंकि आपने खुद ही अंदर की चीज़ों को बंद करके रखा हुआ है। आपको पता है कि अंदर में कुछ चीज़ें बंद करके रखी हैं आपने, आपको पता है कि अंदर में कुछ चीज़ों को आप देख नहीं रहे हो, और एंड शायद इसीलिए उसको फ्रीडम चाहिए कि आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दैट। सो शी वॉज ऑलवेज पॉजिटिव। दो चीज़ें आई हैं सुम्बुल के, और हमने एक्चुअली, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों कार्ड आया तो मुझे लगा कि क्या चीज़ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखो सुम्बुल की आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है, पास्ट में कन्फ्यूजन भी है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, बट पट्टी अगर खोलेगी तो शायद कुछ बातें उसको समझ में आएंगी। और यहाँ पे गाइडेंस क्या है, पे अटेंशन, नोटिस रिपिटिशियस साइन एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूबल रिजल्ट, यानी कि अंदर में कुछ गाइडेंस मिल रहा होगा, तुम थोड़ा अपने आँख की पट्टी तो खोलो, ये चीज़ है। और यहाँ पे फिर से सिंक्रोनिसिटीज़ है, यानी कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल जानबूझ के शायद नहीं देखती है, ओके, और उसको बोला जा रहा है पे अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन, तो वो चीज़ें हैं। प्लस और क्या बात हो सकती है, यहाँ पे एक चाइल्ड भी आया है यहाँ पे, तो एज उसका चाइल्डहुड काफ़ी उसकी जो चाइल्डहुड की जो फेज़ है ना, उसके लाइफ पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डाली है, और शायद इसीलिए वो अभी हार्डन भी हो गई है अपने आप को, उसने बहुत रफ एंड टफ बना लिया है, आँख पे पट्टी भी डाल ली है थोड़ी सी। और यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर इस कोकोनट को हटाओगे इसके पीछे, इस जो आउटब्लोन वुमन है जो रिबेल हो गई है, जिसको लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, लाइफ ने हार्डन होने पे मजबूत किया है, अगर तुम इसको हटा दोगे तो ये पीछे से आएगी जो बोलेगी कि मुझे रहने दो, जस्ट लीव मी विथ माई पीस, एंड मे बी यू नो समबडी कम्स एंड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई विल बी रिलीव्ड ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ एज अ चाइल्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आई थी, तो वो काफ़ी हर चीज़ को वो खुद अकेले कर रही थी। अब क्यों कर रही थी अकेले, क्यों उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, आई एम श्योर यू नो द बेस्ट, बट यूनिवर्स बोल रहा है पे अटेंशन, यू आर नॉट सीइंग समथिंग दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सी यू, यू आर इग्नोरिंग समथिंग, यू आर इग्नोरिंग समथिंग ऑन पर्पस। और साथ में इसका फादर हीलिंग का भी कार्ड आया है, सो शी नीड्स टू हील समथिंग इन देयर।
So this is the guidance, father and child. There is something, yeah, maybe. So this is the guidance, guys. Thank you so much for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.